आ चुके हैं लोनावला में और हम आज रात को एक विला में रुकने वाले हैं। तो हम मुंबई में ही रुकने वाले थे आज की नाइट, लेकिन हम आ गए लोनावला में क्योंकि हम कल का दिन वेस्ट नहीं करना चाहते थे, इसलिए हम आज ही आ गए जिससे कल हम सुबह जल्दी शुरुआत कर सके। तो आज तो हमने लिए विला और कल हम रिसोर्ट में जाएंगे। तो ये जो विला ली है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। मम्मी आप आगे चलते जाइए, मम्मी भी आपको घुमाती जाएगी। तो ये जो हमने विला ली है ये है बाय इको स्टे ट्रॉपिकाना विला, और बाहर से कुछ ये इस तरह की दिखती है। आपको इसका रियल व्यू भी दिखा देती हूँ। यहाँ पे अब तो है ना, मुंबई में जहाँ जाऊँ वहाँ बिल्लियाँ ही मिलती है। और ये देखिए, ये है इसका पूल एरिया, प्राइवेट पूल। पूल बेहद ही शानदार लग रहा है। इसको बाकी सुबह में देखेंगे क्योंकि रात को यूज नहीं कर सकते, तो बस अब अंदर चलते हैं। यहाँ पर रूम्स जिसमें वॉशरूम भी अटैच है, और कुछ रूम्स ऊपर की तरफ है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो आपको विला में आके कैसा लगा? प्राइवेट प्रॉपर्टी बहुत बहुत अच्छा, बहुत। यहाँ आकर भी घर वाला फील ले रहे हैं। बिल्कुल, यहाँ पे रात को हाउस पार्टी होने वाली है ऐसा लग रहा है। बहुत अच्छा लगा, अभी पहली बार इको स्टे वाली चीज को ट्राई कर रहे हैं। इको स्टे वाली नहीं, प्राइवेट प्रॉपर्टी फर्स्ट टाइम हम ट्राई कर रहे हैं, तो आपको जरूर इसके हम बताएंगे कैसे। ऊपर भी वो चल के होम स्टे ऊपर भी चल के देखिए। तो चलिए हम आपको ऊपर लेके चलते हैं। ट्रॉपिकाना विला और हमको मिला है 8,000 रुपए में, और रूम है चार रूम है और एक हॉल है, किचन दे रखी है। रूम तो सबसे पहला रूम इधर ऊपर की तरफ ये है, ये हमने 4 BHK लिया है इधर, और ये इस तरह के रूम्स हैं, और हर रूम के अंदर वॉशरूम अटैच्ड है, छोटा सा वॉशरूम। और यहाँ पे सिटिंग एरिया है जहाँ पे इन्होंने चेयर्स लगा रखी है, एंड ये है बड़ा वाला बेडरूम जिसमें एक एक्स्ट्रा बेड है और डबल बेड, और ये है यहाँ पे मिरर। अच्छे बड़े सारे रूम्स हैं, काफी बड़े रूम हैं। यानी जैसे हमने पिक्चर्स वगैरह में देखे थे वो करेक्ट पिक्चर्स थे। लोनावला में रिसोर्ट देखेंगे तो 5,000-7,000 से कोई कम का नहीं है, तो बढ़िया लोनावला में मतलब आगे के लिए बढ़िया एक स्टे है। और हम भी अब ये तो वाली चीज फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, क्योंकि यू नो इंडियन फैमिलीज कैसी होती है, वो जल्दी से न्यू चीज ग्रैब नहीं करती है, तो ये चीज हम फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस कर रहे हैं। लाइक इको स्टे के थ्रू हमने ये बुकिंग करवाई है, तो हम आपको इसका फुल रिव्यू अच्छे से पूरा टेस्ट करने के बाद ही देंगे। अभी तो हम जस्ट एंटर हुए हैं, तो मैं आपको इसका एक ओवरव्यू दे रही हूँ, बाकी यहाँ का हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहा और मैं आपको इसके बारे में सजेस्ट करूँगी या नहीं, ये मैं आपको बाद में बताऊँगी जब हम यहाँ से चेकआउट कर लेंगे और यहाँ पे जब हमारा पूरा एक्सपीरियंस हो जाएगा। और ये भी एक रूम है जिसमें एक एक्स्ट्रा बेड है विथ सोफा, और ये उससे बड़ा बेड है, बेडरूम है। और यहाँ पे ये सिटिंग एरिया, देन अगेन वॉशरूम। तो ये इस तरह की कुछ प्रॉपर्टी है, तो प्रॉपर्टी तो मैंने आपको दिखा दी, अब बस हम थोड़ा सा फन टाइम एंजॉय करते हैं। काफी थक चुके हैं तो बस थोड़ी सी देर बैठ के देन सोएंगे, या देखते हैं रात को हम क्या करेंगे, क्योंकि ऑफकोर्स आए हैं तो थोड़ा बहुत तो एंजॉय करें, क्योंकि कल हम रिसोर्ट निकल जाएंगे, तो हम यहाँ ज्यादा देर के लिए नहीं है। तो चलिए मैं आपसे बाद में मिलती हूँ। Yeah.
ये सारे बेईमानी करने आपके बैठे। चलो पास करो, नहीं तो क्यों पास करो, बनाओ बनाओ सीक्वेंस बनाओ। हाँ जी, अरे यार एंटी सत्य लेके बैठे। थोड़ा सा इधर वॉक करने आए हैं। ये लेंगे फिर अच्छी। इसको सुबह सुबह ट्रैक करने की इच्छा हो रही है, बोले चलो। सो इट्स फाइनली डे 3 इन मुंबई एंड हम जैसे कि लोनावला में है प्रॉपर्टी में इको स्टे, तो हमको तो यहाँ पे काफ़ी मज़ा आ रहा है। तो मैं आपको बाकी लोगों की भी एक्सपीरियंस बताऊंगी कि कैसे रहे। बाकी हम यहाँ सिर्फ नाइट स्टे ही करने आए थे, आज का दिन हम पूरा रिसॉर्ट में बिताएंगे। तो हमारा लेकिन ये वाला एक्सपीरियंस भी काफ़ी अच्छा रहा, हमने नाइट में बहुत ज़्यादा मस्ती धमाल किया और जितना हो सका उतना फन किया। तो अभी भैया यहाँ पे फाइनल रैप अप कर रहा है, रेडी हो रहा है। तो भैया आपको कैसा लगा यहाँ पे? मजा आ गया, एक अलग एक्सपीरियंस। विला में पहली बार रुके हैं इस तरह से, और लोनावला में सबसे पहली बार, तो एक्सपीरियंस अच्छा है विला में रुकने का। मतलब हमारी तो यहाँ से जाने की इच्छा ही नहीं कर रही, लेकिन आज के लिए बुक करवा रखा है द फन होटल लोनावला में, तो चलना पड़ेगा। यानी सबका तो यही मन हो रहा है कि प्लीज यहाँ पे एक दिन और स्टे कर लो, लेकिन नहीं, वहाँ पे हम प्री बुक करवा चुके हैं तो कैंसिल नहीं हो सकता, तो इसलिए हमको बाय डिफॉल्ट वहाँ पे जाना होगा। बाकी ओवरऑल एक्सपीरियंस इज गुड, यू कैन रिकमेंड इट टू पीपल। रिकमेंड तो बिल्कुल बनता ही है, आजकल तो सारे जने जानते ही है कि इको स्टे वाली चीज और ये वाली चीज एकदम बढ़िया चल रही है, तो मतलब रुकना तो बनता ही है। यानी हमारा ये फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस ही प्रॉपर्टीज, वी जस्ट एंजॉयड इट। तो चलिए मैं कोशिश करती हूँ बाकी लोगों की भी एक्सपीरियंस लेने की। वहाँ पे ये पीछे की तरफ ओपन एरिया है और ये हमारी हमारी जनता को कुछ बोलना चाहेंगे, कुछ सजेस्ट करना चाहेंगे? आप ये प्रॉपर्टी सजेस्ट करना चाहेंगे लोगों को? बहुत मस्त आइटम आइटम। आप कुछ बोलना चाहेंगे? क्या बोलूं यार, बहुत अच्छा लग रहा है, आप ही आए तो यही रुके। इनफैक्ट ये तो अपने फैमिली पर्सन को ये सजेस्ट भी कर चुके हैं, बोले रिसॉर्ट कैंसिल करवाओ, हमने गलती कर दी, आप इधर ही आओ। तो सब यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं। सबसे पहले भूसी डैम, भूसी डैम, भूसी डैम, तो देखते हैं भूसी डैम में क्या है। मुझे तो झरना दिखाई दे रहा है दूर से, तो झरना ही है, झरना ही है यार। डैम का मतलब वो झरना ही हो गया। अच्छा अच्छा। वाटरफॉल, तो वो जो झरने में वो नहाने का मजा आता है। तो, वो है शानदार है यार। मस्ती कर रहे हैं, काफी भीड़ है और यहाँ भुट्टे भी मिलते हैं। मेहू तो नीचे ही रुक गया, मेहू तो भुट्टे का आनंद ले रहा है नीचे ही। मक्का, मक्का खाने के मैं आ गया इधर। मम्मी हो गई ऊपर। आज
चुके हैं टाइगर पॉइंट पे और यहाँ पे बादलों का बहुत ही शानदार नजारा है। ऐसा लग रहा है कोई धुंध छाई हुई है तो कोई बादल है, जैसे ये जो आपको इसमें धुंधली धुंधली जगह दिख रही है ये बादल है, बिल्कुल हम बादलों के बीच में हैं अभी। अरे मंकी पॉइंट भी देख लो, मंकी पॉइंट भी। फिर हम जाएंगे फन होटल, आरती के खंडल फन होटल, गाएंगे गाएंगे नाचेंगे और एस करेंगे। चलो एस करने ही आए। तो अब आ गए हैं इधर फन होटल में, द फन होटल में आ गए हैं और ये लोनावला में ऊपर ये लग रहा है ये डिनर के लिए। ये देखिए लुक देखिए, नीचे इधर भी लोग बैठे हैं खाना खाने के लिए, लेकिन ये ऊपर ऊपर रूफ टॉप पे भी डिनर चल रहा है। ये तो मैं बाहर से आपको लुक बताता हूँ, हमारे साथ ही आप घूमने का मजा लिए जिए मोबाइल में। अगर आप आना चाहें कभी आइएगा, नहीं तो मोबाइल में ही आप वीडियो देखते देखते घूमिएगा। बस कमेंट कर दीजिए आपको कैसा लगा। पापा अंदर चेक इन की बातें कर रहे हैं। ये पूरा रिसेप्शन का व्यू है, ये भी अच्छा लग रहा है। लोटस जिम प्ले एरिया स्पा ये सब अभी देखेंगे, एक बार पहले इनको चेक इन का कर लें और फिर इधर देखते हैं। तो हमने अब होटल में चेक इन कर लिया है, तो बिफोर हम रूम थोड़ा सा मेसअप करें उससे पहले मैं आपको एक रूम टूर दे देती हूँ। तो चलिए मैं आपको फटाफट से दिखाती हूँ। तो ये है हमारा रूम, तो चलिए तो ये है कुछ इस तरह का रूम। एंट्री करते ही इधर है वॉशरूम और अंदर वो एरिया, एंड तो वॉशरूम के जस्ट सामने है ये वार्डरोब जो कि कुछ इस तरह की है, जिसमें अंदर लॉकर भी प्रोवाइडेड है। ये यहाँ पे कटलरीज, टीवी, एंड ये है यहाँ पे बेड, देन मिरर एरिया, और ये यहाँ इसका व्यू जो कि कुछ इस तरीके का है। तो बस आज हम यहीं पे रुकने वाले हैं और मस्ती करने वाले हैं। तो हमको यहाँ पे लोनावला में मम्मी के फॉलोअर्स मिले हैं, तो वो मम्मी से मिलने आए हैं, तो सबको पहले तो हेलो बोल दीजिए। बिल्कुल, हम अभी फन में द फन में रुके हुए हैं लोनावला में, और यहाँ सूरत से मीनाक्षी जैन जी है जो ये भी अभी आई है। और मैं बैठी हुई थी तो इन्होंने अंदर घुसते ही इनकी नजर इधर पड़ी, इनका पता नहीं होंगे कोई, लेकिन इन्होंने मुझे देखते ही पहचान लिया। क्या आप मम्मा की रेसिपी वाले आए, लग तो भाभी जी रहे हो, इनका कौन है फिर एक बार। आप इसे कितने टाइम से चैनल फॉलो कर रहे हैं? डेढ़ दो साल से काफी, ज्यादा टाइम तो नहीं, मतलब मुझे इजी लगता है, इसलिए मुझे अच्छा लगता है, मैं देखती हूँ। तो कोई भी सजेशन देना चाहते हो तो आप दे सकते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों को देखना। अगर कोई भी हमें चेंज करना है या इजी लगता है, बाहर नहीं लगता, इजी लगता है, अच्छा लगता है। भी बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिलके, बस आप भी फॉलो कीजिए, अच्छा लगता है, मुझे अच्छा लगता है। बस अब जा ही रहे हैं, अभी डे फोर की स्टार्टिंग है अभी, और जा रहे हैं अब ब्रेकफास्ट करने। सुबह के चाय पानी तो हो गए,
कैसा लगा यहाँ का खाना? खाना ओके था, एवरेज था, क्योंकि हम लोग ज़्यादा मिर्च मसाले वगैरह खाते, तो यहाँ पे एकदम बेसिक मसाले वाला खाना मिला था। बाकी आप यहाँ का व्यू वगैरह देखिए, इसलिए मैं आपको यहाँ तक लेकर आई। बाकी तो अभी आप पहुंच गए हैं हम गजपंता जैन मंदिर, जो कि नासिक में दिगंबर जैन मंदिर है, गजपंता जैन मंदिर। तो अभी हम यहां दर्शन करेंगे श्री दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र सिद्ध क्षेत्र गजपंता, पार्श्वनाथ भगवान जी का है। गुड मॉर्निंग गाइस, तो आज तो आज है हमारा डे 5 और आज हम हमारे जैन तीर्थ क्षेत्र मांगी तुंगी में, जो कि मुंबई और सूरत के बीच में पड़ता है। चलते हैं, देखते हैं मांगी तुंगी जी का मंदिर और वहाँ है ऋषभनाथ भगवान। तो जितने भी जैन लोग हैं वो तो जानते ही होंगे मांगी तुंगी के बारे में, जानते हैं। बाकी जो नॉन जैन है उनको हम दर्शन करवाएंगे और वहाँ की क्या विशेषता है वो भी बताएंगे। तो चलिए फिर हमारे साथ। हम जा रहे हैं मांगी तुंगी, लेकिन हम पैदल नहीं जा रहे, हम जा रहे हैं गाड़ी से, और ये है पैदल जाने वाला रास्ता, और वो उधर है पहाड़ियाँ जो थोड़ी थोड़ी बादलों से ढकी हुई है। बोले ये जो मांगी है, मांग के खाता था, जो टुंगी है ये ना, उसको कोई खाने को नहीं देता था ना, वो जब तक उसको देता नहीं था तब तक वो उठता नहीं था। अच्छा। उसका नाम टुंगी रखा है। अच्छा। ऐसा है वो। अरे मांग के खाता था, एक मांग के खाता था और एक जब तक उसको नहीं देते थे ना, जब तक नहीं जाता था, वो बिना मांगे ही लेता था। नहीं मांगे कोई दोगे जब ही उठ, हाँ लेता था, मांगता नहीं बैठता था, पानी एक एक जने ऐसे बैठते ना, गांव में जाता था। तो अभी हम खड़े हैं मांगी के पहाड़ पे, और जो पीछे आप प्रतिमा देख रहे हैं हमारे, वो है आदिनाथ भगवान की प्रतिमा, और ये पहाड़ पे ही बनी हुई है, मतलब पहाड़ था इसी पे ये मूर्ति बनाई गई है, और इसके कारीगर है जयपुर स्थान, और ये है 108 फीट की प्रतिमा है, सबसे बड़ी विशाल प्रतिमा कहलाती है। और यहाँ पे चारों ओर ही बेहद शानदार नजारा है और बहुत ही अच्छी हवा चल रही है, अब करेंगे गुंजन के पापा कलश अभिषेक। तो अब बस उसी का वेट है यहाँ पे, वो भी रेडी होने के लिए गए हैं सभी लोग, और मैं आपको दिखा दूँ, ये है बहुत ही बड़ी मूर्ति है, 108, और ये जो आप मेरे पीछे की तरफ देख रहे हैं वो चोटी जैसा, वो है तुंगी का पहाड़। लेकिन अभी टाइम लगेगा अपन को उधर की तरफ जाने में। बिल्कुल, अभी हम यहीं पे एंजॉय करेंगे। तो ये सभी लोग रेडी होकर आ चुके हैं और ये जाने वाले हैं अभी आदिनाथ भगवान के कलश अभिषेक करने के लिए। ये मांगी तुंगी का पूरा पार है और ये लोग अभी अभिषेक करने जा रहे हैं, देखो अभिषेक करने जा रहे हैं अभी ये शुक्रिया।
यस गाइस, तो अब पहुंच गए हैं हम सूरत में, और सूरत में अब मार्केट, टेक्सटाइल मार्केट में जा रहे हैं। मैं आप बताता हूँ यहाँ का आपको। मार्केट में थोड़ा सा एक्सप्लोर करने के लिए, तो देखते हैं यहाँ पे हमें कुछ मिल पाता है या नहीं। बाकी यहाँ पे जो एरिया है बहुत ही ज़्यादा होलसेल मार्केट यहाँ पे ज़्यादा है बजाय रिटेल के, तो कोशिश कर रहे हैं हम कुछ रिटेल ढूंढने की, क्योंकि हमारे पास टाइम लिमिटेशन तो पट्टा पिछले चल रहा है। तो अभी हमारे सूरत के मार्केट में इन द होप कि हमें यहाँ पर कुछ मिल जाए, हमें वहाँ पर तो कुछ रिटेल का मिल नहीं रहा था, तो अभी हमें कुछ लोगों ने यहाँ पे सजेस्ट किया है कि यहाँ पे हमें रिटेल की चीज़ें मिल जाएगी। तो देखते हैं ट्राई करते हैं कि यहाँ पे हमें कुछ मिल पाता है या नहीं, तो फटाफट से चलो। तो अभी हमने यहाँ का सूरत का मार्केट एक्सप्लोर किया है। ये एकदम गहरा समंदर टाइप है, मतलब यहाँ अगर हम अचानक से आगे सोचे ना शॉपिंग करनी है, बिल्कुल तो भी पॉसिबल ही नहीं है कि आप आधा घंटा एक घंटे में कर सकते हो। यानी यहाँ पे अगर टाइम चाहिए तो फुल फ्लेज्ड टाइम चाहिए, क्योंकि अगर आप यहाँ पे 10 लोगों से पूछोगे आपको कहाँ जाना, तो 10 लोग 10 जगह बताएंगे एंड यू विल गेट कन्फ्यूज। सो बेसिकली वी हैवंट शॉप्ड एनीथिंग फ्रॉम हियर, एंड हम बस अब फाइनली डिनर करके रेलवे स्टेशन के लिए रवाना होंगे और अपनी बैक टूवर्ड्स जयपुर ट्रेन पकड़ेंगे। इतनी सी देर में तो जैसे कोई स्क्रीन चिपचिपा गई ट्रैफिक में, चलो थक गए हम तो। बाकी ओवरऑल जर्नी एकदम बेस्ट रही और पूरा टूर एकदम शानदार रहा। तो फाइनली हमारा ट्रिप एंड हो चुका है, अभी हम बैठे हैं सूरत रेलवे स्टेशन पर। तो सबकी जर्नी कैसी रही? बढ़िया, क्लास, मजा आ गया। अभी सबकी शक्लों पे 12 बजे हुए हैं, सब थके हुए हैं, बस ट्रेन का वेट कर रहे हैं। तो बस इस ब्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं, और आई होप आपको ये ब्लॉग काफ़ी अच्छा लगेगा, आपको पसंद आएगा। तो इफ़ यू लाइक इट, डू हिट द लाइक बटन एंड डू फॉलो आवर चैनल। बाय बाय।